आपको क्या लगता है अश्विनी चौबे ने कितना काम किया है, यहाँ के सांसद है वो? अश्विनी चौबे ने बहुत काम किया है, उनकी छवि बहुत काफ़ी बढ़िया है। देखिए अश्विनी चौबे की काम की कोई भूमिका ही नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में जो बीजेपी कर रही है, क्षेत्र क्या पूरे देश में जो कर रही है, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। आज हम लोग जंगल राज में नहीं है, मंगल राज में है। नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में तो बहुत सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है। 4 लेन है या बिजली पावर प्लांट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का योगदान रहेगा तब जाके बिहार उत्तम होगा, बढ़ेगा, हर जगह दिखाई देगा विकास। बक्सर में काम हुआ है, लेकिन अश्विनी चौबे को बहुत बड़ी विरोध है, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दूसरा उम्मीदवार आएगा तो चुनाव जीतेगा। अश्विनी कुमार चुनाव यहाँ से हार जाएंगे, अश्विनी कुमार कोई काम नहीं किया है यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं बक्सर स्टेशन पर, हमारी मौजूदगी बक्सर स्टेशन पे है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी लोग हैं। पहले हम बता दें कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में हर पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है। बक्सर लोकसभा सीट से सांसद फिलहाल वर्तमान में अश्विनी चौबे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर अश्विनी चौबे को टिकट मिलने वाला है या नहीं, उन्होंने किस तरीके का काम किया है बक्सर में, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है उनके संसद रहते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर क्या लगता है आपको, किस तरीके से काम काज हुआ है अश्विनी चौबे के कार्यकाल में? देखिए कार्यकाल में काम हुआ है, पूरे यहाँ बक्सर के बीजेपी कार्यकाल में सारा कार्यकाल है। बिजली आज लोग 5 मिनट खातिर आज आती थी तो लोग कहते हैं कि बिजली रानी आ गई। आज चौसा में आप देख रहे हैं कि 14 कोस में प्लांट बैठा है मेगावाट का। अब इससे बड़ा बक्सर की खुशी क्या है? बक्सर में गंगा ओवर ब्रिज बन गया, 4 लेन बन गया, तो बक्सर की डिजिटल इंडिया में सबसे आगा है। तो आपको लग रहा है कि अश्विनी चौबे ने काम किया है और उनको इस बार लोकसभा सीट मिलने वाली है? देखिए अश्विनी चौबे जी हमारे माननीय मंत्री है और सीट की बात मैं नहीं देने वाला हूँ, लेकिन काम बीजेपी के रीजन में हुआ है। हाँ, बीजेपी के रीजन में हुआ है। आज नहीं कह रही है किस बार लोकसभा सीट वो बक्सर जीत लेगी, जगदानंद से पहले सांसद थे। बीजेपी जीतेगी, निश्चित है जीत। आरजेडी किसी स्थिति में नहीं जीत सकती है। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं, अब बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की हमारा मुद्दा यही है कि क्या अश्विनी चौबे ने काम किया है बक्सर में, अगर हाँ तो कितना काम किया है। देखिए अश्विनी चौबे की काम की कोई भूमिका ही नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में जो बीजेपी कर रही है, क्षेत्र क्या पूरे देश में जो कर रही है, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। आज अभी रेलवे स्टेशन का स्थिति देखिए कि ऑटो वाले रोड पर लगाए हुए हैं, पब्लिक को चलना बड़ा मुश्किल है। कहाँ है हमारे सांसद? हर स्कूल में जितने प्राइवेट स्कूल हैं अपनी अपनी अलग अलग पब्लिकेशन की पुस्तकें चला रहे हैं, बीच का चैप्टर बंद कर दिया जा रहा है। दुकानदार गार्जियन को परेशान कर रहे हैं कि इस पब्लिकेशन का पुस्तक लीजिए उस पब। कहाँ हैं हमारे सांसद साहब? सोए हुए हैं घर में। आज हमारी क्षेत्र की बच्चियाँ आगे शिक्षा में बढ़ रही है तो सभी लोग बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे? कोई भी हो और काम बार इनको सीट मिलेगा कि नहीं, टिकट मिलने वाला है कि नहीं, जिस तरीके की इन्होंने काम किए हैं जो आप व्याख्या करें। इस पे जो है अपनी पार्टी की गरिमा है, पार्टी उनको क्या करती है और काम के ही प्रभाव पे टिकट मिलता है, ये पार्टी का मुद्दा है। इस पे हम लोग कुछ नहीं। यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनके कार्यकाल को भी आपने देखना, क्या डिफरेंस है दोनों के कार्यकाल? देखिए डिफरेंसेज उस टाइम में तो जंगल राज में हम लोग जी रहे थे, आज हम लोग जंगल राज में नहीं, हम मंगल राज में हैं और बक्सर की हमारी गरिमा हम जितना भी कहें वो कम ही है। और लेकिन डेवलप के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मतलब टिकट के दावेदार बनने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है सर कि क्या अश्विनी चौबे ने बक्सर में काम किया है, वहाँ के सांसद है, जगदानंद भी एक समय में यहाँ पर सांसद रहते, दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में तो बहुत सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है। 4 लेन है या बिजली पावर प्लांट है या ओवर ब्रिज है, गंगा ओवर ब्रिज, तो
तो बड़े बड़े काम हुए हैं, जिससे कि कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग बिहार में नहीं हैं। जैसे महाराष्ट्र वगैरह जाते थे कभी घूमने, मुंबई वगैरह, वैसे जैसे फोर लेन पे हम लोग चलते हैं तो लगता है कि नहीं बिहार में नहीं है, खुद अपने आप को भूल जाते हैं। तो डेवलप से बहुत काम हुआ है इस क्षेत्र में, नो डाउट बड़े बड़े काम हुए हैं। अब जमीनी स्तर पे जो छोटा छोटा कमी है वो भी धीरे धीरे दूर होगा, उसी में ये लोकल सरकार है वो बदलती रहती है, उसका भी ध्यान हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोकल सरकार बार बार सरकार बदल रही है, उसका खामियाजा बक्सर को उठाना पड़ रहा है। एक्चुअली हर चीज़ जो है वो सेंट्रल को नहीं दोष दे सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों का योगदान रहेगा तब जाके बिहार उत्तम होगा, बढ़ेगा, हर जगह दिखाई देगा विकास। आपको क्या लगता है अश्विनी चौबे ने कितना काम किया है, यहाँ के सांसद है वो? अश्विनी चौबे ने बहुत काम किया है, उनकी छवि बहुत काफ़ी बढ़िया है और हम लोग विकास अग्रसर कर रहे हैं, विकास करेंगे। जगदानंद सिंह के कार्यकाल को आपने देखा है, वो भी बक्सर से सांसद रह चुके, उस समय का काम और अब का काम क्या? नहीं तो भाई साहब मेरे बोले कुछ समय जंगल राज था, आज मंगल राज है, बात वही है। मतलब उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ है? कार्यकाल में काम नहीं हुआ है, अभी इस समय तो बहुत काम हुआ है। क्या लगता है आपको अश्विनी चौबे ने यहाँ काम किया है, यहाँ के सांसद है? हम यहाँ के सांसद नहीं है, सब दूसरा ठरका है, बात करें स्टेशन पहले ठीक है, काम तो ठीक किया है ना? हाँ काम ठीक किया है अश्विनी चौबे, थोड़ा गलत है। हाँ विकास, हाँ बहुत विकास दिया है। देखिए एक एक कर हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव, 2025 विधानसभा चुनाव, इसके साथ ही यहाँ के सांसद, बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे ने कितना काम किया है, जगदानंद के कार्यकाल को लेकर लोगों की क्या सोच है, क्या कहते हैं सर आप? बक्सर में काम हुआ है लेकिन अश्विनी चौबे की बहुत बड़ी विरोध है, चुनाव नहीं जीत पाएंगे, दूसरा उम्मीदवार आएगा तो चुनाव जीतेगा। क्या लगता है आपको कौन उम्मीदवार वो हो सकते हैं अश्विनी चौबे की जगह भाजपा की ओर? पार्टी के चल रहा है नाम, अब किसको पार्टी देंगे, लेकिन अश्विनी कुमार चुनाव यहाँ से हार जाएंगे। अश्विनी कुमार कोई काम नहीं किया है यहाँ पर और खाली भागलपुर जनता में बहुत आक्रोश है, चुनाव अश्विनी कुमार हार जाएंगे। अगर पार्टी दूसरा को कुछ टिकट दे देगा तो चुनाव, हाँ तो चुनाव निकल जाएगा। कार्यकाल को देखा है जब वो सांसद थे, उन्होंने उनको उनके कार्यकाल को देखते हुए क्या लगता है क्योंकि क्या उन्होंने काम किया? हाँ अभी जो तो काम हुआ है लालमुनि चौबे के दिया हुआ है, लालमुनि चौबे में प्लांट दिया था, मेन रोड फोर लाइन चौसा पंप में लालमुनि चौबे के दिया हुआ है, अश्विनी कुमार कोई नहीं है ना, जगदानंद क्या है सर? क्या लगता है आपको अश्विनी चौबे यहाँ के सांसद है, उन्होंने कितना काम किया है यहाँ पर? बहुत अच्छा काम किए हैं। जगदानंद सिंह के कार्यकाल को देखा है? जगदानंद सिंह तो महाफालतू थे, उनको तो यहाँ क्या लगता है अगर उनको टिकट भाजपा देती है तो वो जीत जाएंगे? नाम मत लीजिए यहाँ से जगदानंद सिंह, जगदानंद सिंह को कोई वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, उनका व्यवहारिक व्यवहार आचरण ही सही नहीं है, किसी व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं। अगर अश्विनी चौबे को इस बार भाजपा चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या लगता है जितना उन्होंने चाहेंगे कि कोई नया कैंडिडेट आए यहाँ पर, ऐसा हम लोग, हाँ अश्विनी कुमार के जगह पर, क्योंकि हाँ ये जनता के बीच में नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं और गांव में कोई विकास नहीं इनका दिखता है। हम पार्टी के भाजपा से हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, हम भाजपा के पदाधिकारी हैं। तो आप लोगों की मांग है कि अश्विनी चौबे की जगह भाजपा किसी और जाए, अश्विनी कुमार को बदला जाए, यहाँ पूरे तहस नहस करके रख दिए हैं पार्टी को, कोई विकास नहीं हुआ, नहीं कोई जनता से कोई कार्यकर्ता से कोई मतलब है नहीं है, कोई मतलब है नहीं, हम लोग गाँव में एक रोड मांग रहे हैं नहीं मिल रहा है, क्या मतलब है उस सांसद से? तो देखिए हम बातचीत कर रहे थे 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये आगामी चुनाव जो है इस साल बाद होने वाली है और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को लेकर, अपनी उम्मीदवारी को लेकर ताल ठोक रहा है। हम बात कर रहे थे बक्सर की, बक्सर में सांसद वर्तमान के अश्विनी चौबे हैं, सवाल यही था कि क्या अश्विनी चौबे का कार्यकाल कैसा रहा है, क्या वो सांसद हो सकते हैं, लोगों से हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की जो बक्सर के लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अश्विनी चौबे के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है, बक्सर में काफी विकास हुआ है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि भाजपा को अब किसी और कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। आपकी क्या राय है आप अपने राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही बने रहिए IVTV के साथ, कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं बीना सिंह बक्सर स्टेशन से। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप
भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।